नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सीएटी के अंदर जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो बीकेएन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन, उसके साथ में हमारी क्लास प्रारंभ होगी। तो ना संघर्ष है ना तकलीफ है, तो क्या मजा फिर जीने में। बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं और जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप लोग सभी का स्वागत है। क्लास को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कंप्यूटर का जो पिता महावचन किससे कहा जाता है, आप लोग सब जानते हो, चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के आविष्कारक के नाम से जाने जाते हैं। डिफेंस इंजन और एनालिटिक इंजन का उन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है ना। तो इसके कारण से उनको कंप्यूटर के आविष्कारक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी चार्ल्स बेबेज। उसके बाद में दूसरा ये आता है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो किस नाम से जाना जाता है। आप लोग सब जानते हो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो परम के नाम से है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और भारत के अंदर जितने भी जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं वो सीडैक कंपनी है जो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे जो भारत के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और शक्ति और मिहिर, आपके सामने जान रहे हो, मिहिर नाम से भी एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो इसका राइट आंसर वो रहेगा वो सी रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आईसी का पूरा नाम क्या है। आईसी मीन्स, आईसी का पूरा नाम क्या था, इंटरनेशनल कॉल्स इंफॉर्मेशन कॉल, इंटीग्रेटेड कॉल्स या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप लोग सब जानते हो आईसी का जो पूरा नाम होता है वो डी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है। और ये तीसरी जनरेशन के अंदर इसका यूज़ किया गया था, पहली जनरेशन के अंदर किस डिवाइस का यूज़ किया गया आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के जो थे उनका कैसा था आकार, वो आकार में छोटे थे और गति धीमी थी, आकार में बड़े थे, ठीक है, गति तेज थी, आकार में छोटे थे गति तेज थी, आकार में बड़े थे और गति भी धीमी थी। तो आप लोग सब जानते हो कि पहला जो कंप्यूटर आते थे वो बहुत ही बड़े होते थे और आकार में भी छोटे होते थे, मीन्स आकार में बड़े होते थे लेकिन गति उसकी धीमी होती थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो सबसे तेज मेमोरी सबसे पहले देखिएगा ए जो है वो सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और तीसरा जो होता है रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी के अंदर मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी, इसका राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, जो वो रजिस्टर जो है वो मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी में आती है, सीडी और डीवीडी के अंदर आती है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि इसमें 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा डीवीडी के अंदर कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में फाइल किसे कहते हैं। फाइल रिकॉर्ड्स का जो समूह होता है उसे कहते हैं, संख्या का समूह होता है, डेटा का समूह है। तो फाइल जो होती है आप लोग सब जानते हो वो होता है वो रिकॉर्ड होता है, किसका समूह का होता है, यानी जो फाइल्स होती है रिकॉर्ड का समूह होता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का क्या नाम है, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है। तो ओटीपी आप लोग सब जानते हो, जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो है वो इंटरनेट ये देखा जाता है कि जो फॉर्म भर रहा है वो सही में यूजर भर रहा है, कोई किसी दूसरे के द्वारा नहीं भरा जा रहा है। तो ये एक वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है आप लोग सब जानते हो वन टाइम पासवर्ड होता है, यानी इसका राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने आता है कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं करता है, ये बीच में डैश बोला गया है, तो इसके बीच में आप राइट बताइए। कंप्यूटर के डैश के बिना कोई काम नहीं होता, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहता है, कि बिना जो है वो सीपीयू कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आईसी के आविष्कारक का आईसी जो थी वो कौन से पीढ़ी के अंदर इसका जो वो जन्म हुआ था, आप लोग सब जानते हो आईसी जो होती है वो थर्ड जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ये भी आपको याद रखना, जेएस किलवी के द्वारा ये बनाई गई थी। उसके बाद में देखिएगा प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस को हम किस नाम से जाना जाते हैं, तो आप लोग सब जानते हो इसको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हार्डवेयर का अर्थ होता है हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं उसको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक सामान्य कीबोर्ड के अंदर जो है वो कितने बटन होते हैं आप लोग सब जानते हो, पहले तो 104 आते थे, आजकल 108 आने लगे। क्रिस्टोफर लेथर सोल्स के द्वारा 1968 के अंदर कीबोर्ड का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना, और ये दिखने में टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अभी जो कितने बटन आ रहे हैं, 108 की समथिंग आ रहे हैं। उसके बाद में ब्लिकिंग जो पॉइंटर जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाता है, जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो एक ब्लिंक करता हुआ एक आपको कर्सर दिखाई देता है, तो उसको जो राइट आंसर रहेगा वो क्या नाम से रहेगा, कर्सर के नाम से, बी आंसर इसका सही रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे कीबोर्ड और माउस का काम करता है। टच स्क्रीन जैसे मोबाइल का यूज़ मोबाइल में यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन अपने उंगलियों से पूरे डेटा को मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हम जो हम इसका यूज़ करते हैं वो टच स्क्रीन जो होता है मॉनिटर डिवाइस के ऊपर हम इसका यूज़ किया जाता है, याद रखना है। तो डी आंसर इसका सही आंसर होता है। उसके बाद में आता है सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है आप लोग सब जानते हो, माउस और कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले माउस या कीबोर्ड आता है तो कीबोर्ड इसमें फर्स्ट आंसर इसका रहेगा, कीबोर्ड माउस इसका राइट आंसर रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने ये आता है कि
डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखो हम जो फोटो खींचते हैं उसमें हम देखा होगा पिक्सल, नाम सुना होता है आपको, तो पिक्सल जो होती है ना वो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा इसका राइट आंसर। डिजिटल पिक्सल जो होते हैं वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट आप लोग सब जानते हो, वो हार्डवेयर कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, और जिसको हम छू नहीं सकते सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। फर्मवेयर होता है जो यूजर के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करना, जो फ्री में मिल जाते हैं फर्मवेयर कहलाते हैं। ह्यूमनवेयर होता है जो मनुष्य के द्वारा पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना होता है, ह्यूमनवेयर कहलाता है। टास्क बार के तुरंत ऊपर वाली क्या, उस पट्टी को क्या कहते हैं? एमएस वर्ड के अंदर टास्क बार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा आपने, उसके वाली ऊपर वाली जो पट्टी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टेटस बार के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद विंडोज 7 क्या है? विंडोज 7 आप लोग सब जानते हैं, विंडोज 7 जो होता है वो क्या है? कंप्यूटर गेम है, कंप्यूटर फायरवेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। विंडोज 7 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर इसका यूज किया जाता है, आप लोग सब जानते हो। उसके बाद में आता है किस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्प्रेरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। आप लोग सब जानते हो कि कंप्यूटर में दो प्रकार की रैम होती है, मेमोरी रैम और रोम। रैम जो होती है परमानेंट मेमोरी, रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और वो क्या होती है जो है वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, याद रखना वो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आप यहीं तक रहती है, बाकी नेक्स्ट क्लास की आपकी वीकेंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपको बताई जाएगी। आप लोग सभी जुड़े रहें, लाइक कीजिए और शेयर।